नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और व्यंजन संधि की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं नियम नंबर 10। इससे पहले हमने जो व्यंजन संधि है उसके नियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने पढ़ लिया है और आशा करती हूँ आपने उनको देखा होगा, समझा होगा, अच्छी तरह उनको करने का प्रयास किया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 क्या कहता है? नियम नंबर 10 ये कहता है कि यदि विग्रह से पहले दंत्य त, जो दंत्य वर्ग है उसका त वर्ण आता है, और विग्रह के बाद में जो शब्द शुरू हो रहा है वो ह से शुरू होता है, तो दंत्य जो त है हमारा, त से तरबूज जो है हमारा, वो तो द में परिवर्तित हो जाता है और ह जो है वो ध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है नियम? विग्रह से पहले दंत्य त, त से तरबूज है आधा और उसके बाद में ह है, तो त को द में परिवर्तित कर देते हैं और ह को ध में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है उत दन हार, यहाँ पर हमारे उदाहरण दिए गए हैं उत, यहाँ पे आधा त है और हार यहाँ पर ह है, तो हमें क्या करना है? त को द बनाना है और ह को ध बनाना है। ये क्या हो जाएगा? उ द धा र, क्या हुआ ये? उधार। इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, क्या हो गया? उधार। क्या हो गया? उधार। फिर है पद धन हति, वही यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे त आएगा प त, यहाँ पर भी दादा त है और यहाँ पर ह है, ये आधा त है, आधा त हमेशा आधे द में परिवर्तित होगा। कब होगा? जब विसर्ग से पहले तो आधा त है और विसर्ग के बाद में ह आता है, तो त को हम द बनाएंगे और ह को ध बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें ये करना है, त और ह दोनों ही दिख रहे हैं हमें यहाँ इस उदाहरण में, त को हम द कर देंगे और ह को हम ध कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पद्धति। क्या हो गया ये? पद्धति। फिर देखिए तत् धन हित, तत् धन हित, ये क्या हो जाएगा? तद्धित। ये हुआ, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तद्धित। ठीक है, आगे है हमारा उदाहरण उत्तधन हरण। उत्तधन हरण में वही कार्य करना है हमें, त को बनाना है द, ह को बनाना है ध और रण, उद्धरण। क्या हुआ? उद्धरण। फिर है उत्तधन वृत्त। उत्तधन वृत्त में भी हमें वही कार्य करना है उद्धृत। क्या हुआ ये? उद्धृत। ये तो हमने संधि विच्छेद का संधि शब्द बनाया। यदि आपको संधि शब्द दे दिया जाता है, कहा जाता है इसका विच्छेद कीजिए, तो आपको क्या करना है? आपको पता है द और धया साथ आ रहे, द और धया साथ आ रहे, द और धया साथ आ रहे, द और धया साथ आ रहे और द और ध यहाँ पे भी साथ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? द की जगह तो आपको त लिखना है और ध की जगह आपको ह लिखना है। हो गया आपका संधि विच्छेद। दूसरे शब्द में भी देख लीजिए, पद्धति, तो प द, द को क्या करना है आपको? त करना है और ध को क्या करना है? ह करना है। प द और धति, पद्धति, तो द को आपको आधे, द को आपको आधे त में परिवर्तित करना है और ध को आपको ह में परिवर्तित करना है। फिर तद्धित में भी आपको ये करना है, त द की जगह त करना है और ह ध की जगह ह करना है। क्या हो गया? तत्धन हित। ठीक है, उद्धरण में भी आपको यही कार्य करना है। क्या करेंगे? त ध की जगह त लगाएंगे और ध की जगह ह लगाकर शब्द को पूरा करेंगे। ठीक है, नीचे जो उदाहरण है उनमें भी आपको यही काम करना है, उनमें भी आपको यही कार्य करना है। उद्धृत, तो वही आ गया उद्धन वृत, उद्धन वृत। ठीक है, आया आपको समझ में? अब चलते हैं हम अगले नियम की और, नियम नंबर 11। तो नियम नंबर 11 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 11 हमारा कहता है कि यदि विग्रह से पहले वही हमारा त वर्ण है और विग्रह के बाद में यदि श आ जाता है, विग्रह के बाद में यदि श आ जाता है, विग्रह से पहले त और विग्रह के बाद श आ जाता है, तो त को तो हम परिवर्तित करते हैं च में और श को परिवर्तित करते हैं हम छ में। इससे पहले वाले नियम में क्या था? यदि त के बाद में ह आ रहा है
तो त को परिवर्तित करते हैं हम द में और ह को परिवर्तित करते हैं ध में। इसमें क्या है, यदि त के बाद में अगर श, कौन सा वाला श, तालव्य श, शलगम वाला श आ जाता है, तो हमें उस जो त है त को परिवर्तित करेंगे हम च में और जो श है उसको परिवर्तित करेंगे छ में। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इसको। उत धन शिष्ट, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आधा त और यहाँ क्या है हमारा श, तो त को परिवर्तित करेंगे हम च में और श को परिवर्तित करेंगे छ में, क्योंकि यहाँ त जो है वो आधा है इसलिए च भी हमारा आधा ही रहेगा। तो उत धन शिष्ट में क्या हो जाएगा, उ यहाँ पर छोटी की मात्रा है, ये त किसमें परिवर्तित हुआ, आधे च में, श किसमें परिवर्तित हुआ हमारा छ में, और पीछे का हमें शब्द ऐसे की ऐसे लिख देना है। क्या हो गया, उच्छिष्ट, क्या हुआ शब्द हमारा, उच्छिष्ट। आगे देखिए उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, तो वही त और यहाँ पर श में री है, श में री है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब श्रृंगार लिखते हैं, ये हमने श्रृंगार लिखा, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। सही शब्द ये होता है श्रृंगार। इस वाले शब्द में का अगर आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो श धन र धन री, ये होगा पहले अक्षर का, ये वाला जो अक्षर है, इस वाले अक्षर का जो वर्ण विच्छेद करेंगे आप वो इस प्रकार से होगा। और र और री की मात्रा एक साथ कभी नहीं आती है, कुछ शब्द है जिनके अंदर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार शब्द जो है वो ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ र और री दोनों स्वर आ रहे हैं, दोनों र भी आ रहे हैं हमारा, र जो है यहाँ पे पूरा र आ रहा है, जबकि श और र दोनों व्यंजन एक साथ नहीं आएंगे, दोनों व्यंजन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारा शुद्ध कौन सा है, श्रृंगार। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसके अलावा श्रृंगार आता है, श्रृंगाल। ठीक है, और हमने यहाँ लिखा ही है श्रृंखला, यहाँ हमने लिखा ही है श्रृंखला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमने यहाँ लिखा उत धन श्रृंखल, तो त को हम क्या करेंगे, त को हम लिखेंगे, त को क्या लिखेंगे हम च, और श को क्या लिखेंगे छ, त को हम क्या लिखेंगे च और श को क्या लिखेंगे छ, तो ये क्या हो जाएगा, उत, यहाँ री की मात्रा है, यहाँ हमने री की मात्रा लगा दी, बाकी शब्द ऐसे के ऐसे, ये क्या हो गया उच्छृंखल, क्या हो गया उच्छृंखल। फिर है सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र में हम त को क्या किया च कर दिया, श को क्या किया छ कर दिया, बाकी का हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया, क्या हो गया सच्छास्त्र, क्या हो गया सच्छास्त्र। तत् धन श्वास, तो वही त और श आ रहा है, त को हमने बना दिया च, क्योंकि त आधा है इसलिए च भी हमारा आधा ही होगा, श को हमने बनाया छ और वास को ऐसे के ऐसे लिख दिया, क्या हो गया तच्छ्वास, क्या हो गया तच्छ्वास। फिर है श्रीमद् शंकराचार्य, श्रीमद् शंकराचार्य में भी हमें यही कार्य करना है, त को हम बनाएंगे च और श को बनाएंगे छ, तो ये क्या हो गया श्री म शंकरा शंकराचार्य। ठीक है, क्या हो गया श्रीमच्छंकराचार्य, ये हमारा शब्द हो गया। इसके अलावा एक शब्द और है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, वो है श्री धन श्रीमत धन श्रीमत श्री मच्छर श्रीमत शरद चंद्र, श्री मत शरद चंद्र जो शब्द है हमारा वो है श्रीमत शरद
चंद्र। तो श्रीमत शरद चंद्र में ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, श्रीमत प्लस शरद धन चंद्र, श्री मत धन शंग शरद धन चंद्र, ठीक है। यहाँ पर दो जगह संधि कार्य हो रहा है, दो जगह संधि कार्य हो रहा है हमारा, तो त के बाद में हमारा श है, तो इस त को हम किस में परिवर्तित करेंगे, च में, श को परिवर्तित करेंगे छ में, यहाँ पे र आया। अब यहाँ देखिए त के बाद में च है, अब जब त के बाद में च होता है तो वो त किस में परिवर्तित हो जाता है, च में। च का स्क्वायर वाला नियम याद कीजिए, च का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। या तो इसका संधि विच्छेद पूछ लेते हैं या संधि विच्छेद दे करके आपसे संधि शब्द पूछ लेंगे कि निम्न शब्द, निम्न संधि विच्छेद से बनाया हुआ शब्द कौन सा है, और कई बार ये शब्द शब्द शुद्धि वाले प्रश्न में भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा नियम नंबर 11, बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर 12। हमारा नियम नंबर 12 ये कहता है कि यदि विग्रह से पहले कोई स्वर आ जाए, विग्रह से पहले स्वर आ जाए और विग्रह के बाद में छ हो, विग्रह से पहले तो क्या हो हमारा स्वर हो, और विग्रह के बाद में यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण का आगम हो जाता है, यानी छ से पहले हमें च लिखना पड़ता है, ठीक है। छ से पहले हमें च लिखना पड़ता है, आधा च, कौन सा च, स्वर रहित च लिखना पड़ता है। जैसे उदाहरण है आ धन छादन, आ धन छादन, यहाँ आ क्या है, स्वर है, अब स्वर के बाद में छ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विग्रह के स्थान पर च का आगम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आ छादन, क्या हो जाएगा, आ छादन। आगे देखिए वी धन छेद, तो व में छोटी की मात्रा है, व में छोटी की मात्रा है, तो इस छोटी की मात्रा के बाद में छ है, तो हम क्या करेंगे, विग्रह के स्थान पर क्या आ जाएगा, च, वी च द छेद, क्या हो गया, विच्छेद, क्या हो गया, ये विच्छेद, ठीक है। फिर है अनुधन छेद, अनुधन छेद में भी हमें वही करना है, विग्रह से पहले स्वर है, सुपस्वर है, तो हमें क्या करना है, इस विग्रह के स्थान पर हमें च लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि विग्रह के बाद में छ है। वृक्ष धन छाया, तो वृक्ष में भी क्ष में क्या है, अ है, और पीछे क्या है, छ है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, विग्रह के स्थान पर च लिख देंगे, तो क्या हो गया, ये वृक्षित छाया, वृक्षित, वृक्षित छाया। फिर परिधन छेद, तो वही कार्य करना है हमें, परि में छोटी की मात्रा है, विग्रह के स्थान पर च आया और छ लिख दिया, क्या हुआ, परिच्छेद, ठीक है। और भी उदाहरण देख लेते हैं हम इसके, और उदाहरणों में यदि आप देखें तो और उदाहरणों में स्वधन छंद, स्वधन छंद, क्या हुआ हमारा, स्व हमने ऐसे कैसे लिखा, विग्रह के स्थान पर क्या आया हमारा, च आया, विग्रह के स्थान पर च आया, और बाकी के शब्द हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, स्व छंद, ठीक है। फिर देखिए प्र धन छन्न, क्या है, प्र धन छन्न, तो यहाँ पर प्र में अ है और विग्रह के स्थान पर छ लिखा और क्या हो गया, न, प्रच्छन्न, क्या हुआ, प्रच्छन्न। एक और देखिए वी धन छिन्न, वी धन छिन्न, क्या हो गया, विच्छिन्न, क्या हो गया, विच्छिन्न, क्या हुआ, विच्छिन्न। तो बच्चों यहाँ हमारी नियम नंबर 12 हमारा पूरा हुआ, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 13। अंतिम नियम हमारा व्यंजन संधि का जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि विग्रह से पहले आपके पास द है, विग्रह से पहले आपके पास द है और बाद में क त थ प और स, क त थ प और स में से कोई व्यंजन आ जाता है तो हम द को त में परिवर्तित कर देते हैं, तो हम
जो द है उस द को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, त में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। शरद यहाँ पर क्या आ गया हमारा, द। क्या आ गया, द। तो इस द को हमें किस में परिवर्तित करना है, त में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा शरत काल। क्या हो गया, शरत काल। ठीक है, फिर है तद धन काल। तो तद, द के बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो द के बाद में क आ रहा है, तो त जो द है उसको हम त में परिवर्तित कर देंगे और पीछे का शब्द जैसे कि ऐसे लिख देंगे। हमारा शब्द क्या हो गया, तत्काल। क्या हो गया, तत्काल। उद धन कीर्ण, तो त को हमने द किया, द को हमने क किया, उद, ओहो, द को हमने त किया, तो क्या हो गया, उत्कीर्ण। क्या हो गया, उत्कीर्ण। फिर देखिए उद धनतम, तो हमने द को क्या किया, त किया, क्या हो गया हमारा शब्द, उत्तम। क्या हो गया शब्द हमारा, उत्तम। फिर है उद धनतीर्ण, तो वही कार्य करना है हमने, द को त में परिवर्तित करना है, तो क्या हो गया ये, उत्तीर्ण। उद दन थान, अब यहाँ पर देखिए क आ गया हमारा, त आ गया हमारा, अब यह आ गया थ। क्या आ गया, थ। क आ गया, त आ गया, थ है, तो थ आता है तभी हमें क्या करना है, द का त करना है। शब्द हो गया हमारा उत्थान, शब्द क्या हुआ हमारा, उत्थान। तद धन पर, अब हमारा प आ गया, तो प आता है तभी हमें क्या करना है, इस द को त में परिवर्तित करना है, पीछे का शब्द ऐसे कैसे लिखना है। क्या हो गया, तत्पर। फिर है उद धन पन, वही कार्य करना है हमें, उ के बाद में यहाँ द आ रहा है विग्रह से पहले और पीछे प आ रहा है, तो हमें द को त में परिवर्तित करना है। शब्द क्या हो गया हमारा, उत्पन्न। तद धन पुरुष, हम समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास इसी का उदाहरण है। क्या हो गया, द को हमने त में परिवर्तित कर दिया और पीछे का शब्द ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा, स। अब क्या आया, स। तो स में हमें क्या करना है, वही कार्य करना है, स आता है तो हमें क्या करना है, द को त में परिवर्तित करना है। शब्द क्या हो गया हमारा, तत्सम। फिर है उद धन सर्ग, उद धन सर्ग में भी हमें यही कार्य करना है, त को द में परिवर्तित करना है और पीछे का शब्द ऐसे कैसे लिखना है। क्या हो गया, उत्सर्ग। फिर है उद धन सब, हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इस शब्द को, क्योंकि ये होता है उत्सव। क्या होता है, उत्सव। फिर देखिए संसद धन सत्र, इम्पोर्टेंट शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका विच्छेद संसत धन सत्र, क्या हो गया, संसत्र, संसत सत्र। ठीक है, तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। यही व्यंजन संधि को हम विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे, विसर्ग संधि को नियमों से समझेंगे और उनके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।